Hi guys, it's me Ankush and मैं हूँ कैमरामैन राम प्रकाश के साथ और हम आज देंगे इस घर में मैं रहता हूँ उसका हाउस टूर. तो दिस इज द होम दैट आई लिव इन. इसका हम देंगे क्या बोलते हैं उसको माई कनेडियन हाउस टूर. और हम एक बार उसको स्ट्रीट दिखा देते हैं उसकी कौन सी स्ट्रीट कैसे दिखती है. दिस इज द स्ट्रीट और सामने है ये पार्क जो बहुत अच्छा लगता है. यहाँ पे अपने लोग डॉग्स वगैरह लेके आते हैं. तो चलो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते. तो मैं सारा घर दिखाऊंगा. तो ये है हमारा घर. ये मैंने एक तरह गेट बंद. यहाँ पे हम शूज़ वगैरह और ये कबर्ड है जहाँ पे हम सब जैकेट्स सर्दियों में स्नो जैकेट्स होती हैं तो यहाँ पे उतारते हैं लोग और स्नो शूज़ होते हैं तो यहाँ पे उतार देते हैं लोग. तो ये है उस चीज़ की जगह. पीछे दिखाऊँगा. पीछे है ये है लिविंग एरिया. यहाँ पे तो बेड रहती हो, यहाँ पे टी वी होता है और आगे टी वी है नहीं मतलब होता है. तो जैसे तुम्हें मैंने लिविंग एरिया दिखाया था, ये था मिरर और तुम्हें व्यू दिखाना भूल गया यार. व्यू है ये, यहाँ से तुम यहाँ पे बैठ सकते हो आराम से और तुम देख सकते हो पूरा बाहर का सब कुछ दिखता था तुम्हें यहाँ पे. ये है ये तुम समझ ही सकते हो ये क्या होगा. बाकी तुम्हें अब मैं क्या ही बताऊँ. ये एक्चुअली एक मसाज रूम है जहाँ पे हम ये घर नहीं है तुम्हें घर है. चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी नेक्स्ट. ये समझ आ रहा है जहाँ से हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं. पूरा घर वेंटिलेटेड भी है और हीटेड भी है, एसी भी चलता है पूरे घर में और गर्म हवा भी आती है. ये फिर से एक छोटा लिविंग एरिया है और जहाँ पे फिर से टीवी लगा है इस बार, क्या वहाँ पे नहीं लगा था इस बार है. तो और वो है ऑफिस, अगेन स्मॉल ऑफिस. ये है डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा है यहाँ पे. इट्स द सेटिंग ऑफ फॉर सिक्स. ये है पानी, वाटर फिल्टर, ठंडा गर्म जो भी लेना है ले लो आ जा. ये है किचन. तो किचन में तुम देख सकते हो काफ़ी ओपन स्टाइल किचन है. ये हमारे हमें सब ये पूरा रेफ्रिजरेटर है. ये है एयर फ्रायर, डिश वॉशर आ जाके. तो ये सारी किचन है, इसमें तुम अपना सामान रख सकते हो. और ये अलग से एक इन्होंने दे रखा है कबर्ड टाइप जिसमें गार्बेज है और ब्लेंडर्स और कुछ भी मिक्सर्स वगैरह सब कुछ. तो ये सब और बाकी मुझे तुम कभी उठा के यूज़ कर सकते हो क्योंकि सारा घर किचन के अलावा मैट फ्लोरिंग है. आगे आ जाओ. तो ये है वॉशिंग मशीन ड्रायर और बस यही है. ऊपर सब में लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स वगैरह वगैरह रखे हुए हैं और नीचे देखते हैं. ये एक और वॉशरूम है, एक और नहीं पहला वॉशरूम है हमने अभी जब इंट्रोड्यूस नहीं किया. पहला वॉशरूम ये है और ये फिर से ये क्या कहते हैं जैकेट्स हैं, शूज़ हैं, क्योंकि ये एक बैक डोर है और ये बेसमेंट को रास्ता जाता है. बेसमेंट में इतना कुछ है नहीं देखने को तो हम सीधा बाहर चलेंगे और तुम्हें बैक डोर दिखाता हूँ, बैक यार्ड दिखाता हूँ. ये है बैकयार्ड. तो ये पेड़ है एप्पल का, एप्पल का पेड़ है, ग्रीन एप्पल का. और यहाँ पे ये टमेटो वगैरह उगाते हैं लोग. और अगर तुम दूर देखोगे तो वहाँ पे ऑन में इन्होंने कुछ वो डाल रखा है, आई डोंट नो व्हाई. ये एक्चुअली एक समर रूम है. ये इसमें तुम देखोगे सारी खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ, सिर्फ सर्दियों में धूप सेक सकते हो तुम, इसमें बैठना है तो बैठ सकते हो. ये गराज है और आगे चलते हैं. ये सारी फेंसिंग करी हुई है, तुम बस लिखोगे कि ये सारी फेंसिंग है. आगे आ जा भाई, मेरी आवाज़ नहीं आई उधर. हाँ तो ये फेंसिंग है, हम बात करके देखते हैं. आ जा. ये गराज जो है एक मेन को दो है जो हमारे रिसाइकल बिन और गार्बेज बिन हो गए. ये सारा ड्राइववे है, तुम यहाँ पे कार पार्क कर सकते हो दोनों साइड. मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ एक्चुअली बाहर. तो तुम ये देख सकते हो ये सारा खिड़कियाँ ऊपर, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हमारे कमरे हैं और ये जो बालकनी है ये मेरे पर्सनल कमरे की, मेरे कमरे की पर्सनल बालकनी है. तुम्हें मैं ऊपर चल के दिखाऊंगा जब मैं अपना रूम दिखाऊंगा तो कहाँ से डोर खुलता है बालकनी का. दिस इज़ माई रूम, ये सारा बालकनी और वो दो खिड़कियाँ. चलो लेट्स चलते हैं, अब अंदर चलते हैं वापस कमरे में. तो हम वापस आ गए ऊपर अंदर और ऊपर नीचे अंदर. और ये है मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री करी थी और ये वो था जो मैंने तुम्हें दिखाया था पीछे लिविंग एरिया था,
जो तुम्हें दिखाया था, और अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ ऊपर जहाँ पे हम सबके रूम्स है और वॉशरूम दिखाता हूँ। तो ये स्टेयर्स हैं सारे, जैसे मैंने कहा था मैट फ्लोरिंग है, नीचे मैट फ्लोरिंग है तुम देख सकते हो, और ऊपर आगे है। तो ये हमारा वॉशरूम दिखाता हूँ पहले। तो ये है वॉशरूम, तुम देख सकते हो डबल सिंक्स हैं आगे। ये वही है जो तुम सब भी पता है। ये हमें चार शेल्फ दे रखी हैं जहाँ पे तो अपना सामान रख सकते हो चार लोग अपना अपना, जैसे भी टाल्स और सब कुछ भी लैंडलॉर्ड देते हैं, बट इट्स अप टू यू यू कैन यूज इट और नॉट। और ये शार पूरा बड़ा शार है, यू कैन सी, और तुम अपना सामान जो भी रख सकते हैं रख सकते हो। तो वॉशरूम तुमने देख लिया है, जैसे अब हवा में तुम दिखाऊंगा, एक्चुअली मेरा कमरा तुम्हें मैं इसके बाद दिखाऊंगा, पहले तुम दिखाता हूँ किसी और का कमरा, मतलब जैसे कोई और रेंट करता है, जैसे हम चार लोग रेंट कर रहे हैं, तो जैसे मेरा कमरा है वैसे ही कोई और रेंट कर रहा है, पहले उसका कमरा देखते हैं, क्योंकि हमारी आदत है दूसरों का कमरा देखने की, तुम्हारी भी होगी। तो ये है दूसरा कमरा जो कि मेरा नहीं है बट दूसरा है। तो दिस इज द बेड फर्नीचर, और ये सब एक्चुअली फर्नीचर और बेड सब कुछ लैंडलॉर्ड ने बीच में दिया हुआ है, मैट्रेस बेड ये टेबल डेस्क ऑफिस डेस्क लैंप्स पेंटिंग्स सारा कुछ लैंडलॉर्ड ने दिया हुआ है, और अच्छी बात है जो कि तुम्हें बार बार बेड लेना मैट्रेस लेना पड़ता है कनाडा में आके, तो इट्स अ गुड थिंग कि तुम्हें ऑलरेडी फर्निश्ड रूम्स मिल रहे हैं, और ज़्यादा इतना फर्क नहीं होता है रेंट का भी। रेंट तुम्हें बता दूंगा मैं बाद में, या भी बताया तो वैसे ऑलमोस्ट एवरेज हर रूम का रेंट है $600 पर मंथ, ऑब्वियसली डिपॉजिट देना पड़ता है पहले। तो ये है कमरा पूरा, तुम देख सकते हो ये बहुत बड़ा शीशा है, कितना गंद मार रखा है, कैसा इंसान रहता होगा इस कमरे में तुम्हें पता ही होना चाहिए। ये पर्सनल है इंसान के, जो भी यहाँ पे रहता है गिटार और जो भी है। तो विंडो पियानो, अच्छा विंडो के बाहर तुम व्यू देख सकते हो यहाँ से। तो ये है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बैकयार्ड जो तुम्हें, जैसे मेरा कमरा अभी राइट पे है, ये लेफ्ट साइड है, और ये किसी और का घर है लेफ्ट साइड पे। ये फैन लैंडलॉर्ड ने दिया है, वो पर्सनल है। ये रूम तुम देख सकते हो सारा, इधर वाली साइड देखते हैं बाहर क्या दिखता है। वाओ कुछ नहीं, चलो ये कबर्ड हो गई, कबर्ड के अंदर फिर से लाइट होगी आई गेस, हाँ ये लाइट ठीक है, अंदर नहीं खोलेंगे, किसी और की कबर्ड है, कोई कभी इंसान ही छुपाया होता है किसी ने, तो इसलिए आया। यहाँ पे साइड में एक स्टोरेज रूम है जहाँ पे तुम अपनी सिर्फ अपना कुछ भी स्टोर कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कुछ भी करना है। एक एक्स्ट्रा छोटा सा रूम है एक्चुअली। चलो अब तुम्हें अंदर कमरा दिखाना है। वैसे ये तुम देख सकते हो कि हमने फर्स्ट फ्लोर पे भी फ्रिज है, माइक्रोवेव है, अलग से टेबल है, ये सब नीचे भी है और ऊपर भी है, तुम मतलब तुम्हें बार बार नीचे जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब दे रखा है। पेंटिंग देख लो, ये है कबर्ड जहाँ पे तुम अगेन अपनी स्टोरेज कर सकते हो सारी, सबने अपनी अपनी स्टोरेज करी हुई है जो जो लोग रहते हैं यहाँ पे। ये एक और स्टोरेज है जहाँ पे फिर से तुम अपनी सारा कुछ स्टोर कर सकते हो। नीचे बकेट्स हैं जिसमें तुम कोई भी तुम्हें भारी सामान लेके जाना है तो तुम ये बकेट्स उठा के नीचे लेके जा सकते हो। ये बकेट्स लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करी है कि, तो अच्छी बात है। ये है मेरी फेवरेट इंसान का कमरा जो हम नहीं दिखाएंगे, जैसे स्विच देख रहे हो तुम, हर लाइट का स्विच वहाँ पे भी है और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्विच दिया हुआ है ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे कमरे का टूर। तो ये है मेरा कमरा, तुम देख सकते हो जैसे कि किंग साइज बेड है, मिरर है, एक्स्ट्रा स्पेस, माय डेस्क, माय चेयर, बेड टेबल, ये पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, और ये टेबल, ये कबर्ड हो गई, कबर्ड का स्विच है, लाइट अंदर है, एसी अंदर, सामान बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। अब दिखाता हूँ एक्चुअली मेरे कमरे का व्यू कैसा आता है। जैसे ये मेरा डेस्क है, लैपटॉप हो गया यहाँ से, अभी मैं तो नीचे दिखाया था, ये बैकयार्ड है, तो ये सारा बैकयार्ड जो हमने अभी देखा था वो गराज है। और ऑल्सो ये बेड के साथ तुम्हें जो मैंने ट्राईपॉड रखा हुआ है, ये ऐसे नहीं रखा हुआ नीचे, मत देखना बहुत गंदा है। तो ये बेड के साथ ट्राईपॉड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बेड पे जो भी एक्टिविटी होगी वो शूट करेंगे। यही काम है यहाँ पे करने वाले हम। बाकी नहीं यार मजाक कर रहा हूँ। तो वो लैंप है वो भी लैंडलॉर्ड ने दिया हुआ है, ये सब कुछ लैंडलॉर्ड ने दिया हुआ है यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये हम एक्सरसाइज करनी थी हमें हर टाइम, डस्टबिन मैंने खुद रखा है। तो ये हो गया कमरा, और अभी तुम लगाता हूँ बालकनी जो तुमने दिखाई थी बाहर से, कि बालकनी का व्यू कैसा आता है। ये बालकनी के अंदर जा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा रूम है स्टोरेज के लिए, ये मैं खोल सकता हूँ,
ये भी खोल सकता हूँ दोस्तों, दूसरी कोई बैल्कनी, तो ये बैल्कनी है हमारी जहाँ से अभी हम वहाँ पे नीचे खड़े थे, जहाँ पे मैंने तुम दिखाया था कि ये मेरी बैल्कनी है। जैसे कि तुम देख सकते हो ये इसका एक्सेस मेरे रूम के अंदर से है, तो और कोई नहीं आ सकता। ये पूरी नेबरहुड में बहुत अच्छे घर हैं, बहुत सुंदर सुंदर घर हैं सारे। तो जैसे कि तुमने मेरा घर देख लिया होगा या अभी दिखा रहा हूँगा, मुझे पता नहीं। तो जैसे हमारा घर है, अभी हम वॉक करते हैं इसके बाहर से, कैसा लगता है? आगे से जाते हैं पीछे बाहर से, लेट्स सी। चलो आओ, सारी वो जो नीचे घर के अंदर जो फर्नेस वगैरह चलती है, हीट वगैरह चलती है, यहाँ से बाहर आती है, सारा जो इसका धुआं होता है सारा बाहर होता है। तुम ये सब देख सकते हो सर्दियों में उधर से इधर। और ये बैक यार्ड था जैसे तुम्हें दिखाया था, यहाँ पे दो गाड़ियाँ पार्क बाहर हो जाती हैं, एक आधी अंदर हो जाती है, क्योंकि अंदर बहुत स्टोरेज कर रखी है इन्होंने। फॉल सीजन है इसलिए बहुत सारे पत्ते गिर गए। थे मेरा रूम, ये था मेरा घर, और तुम्हें मैंने सब कुछ दिखा दिया है। चोरों मत आना मेरे घर में, तुम्हें सब कुछ पता है, कमरे गेट सब कुछ, पर तुम्हें ना कोड से नहीं पता, क्योंकि हर गेट में कोड है एग्जिट एंट्री में। तो मुझे आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, तुम्हें मेरा घर अच्छा लगा होगा, तुम्हें मेरा कमरा अच्छा लगा होगा। तुम्हें अब लोग तुम्हें नहीं दिखा सकता, और मैं तुम्हें लोगों के कमरे भी नहीं दिखा सकता। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो लाइक करो, और तुम्हें मैं दूंगा दूसरी वीडियो। ओके बाय।